सरस्वती विद्या मंदिर भूली में वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया। परीक्षा फल लेने छात्र अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय पहुंचे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मंच से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य उत्तम कुमार मुखर्जी ने कहा कि परीक्षा हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों के परीक्षा परिणाम छात्रों के साथ साथ उनके आचार्य माता पिता के प्रयास को भी दर्शाता है। कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य रंजना सिंह, अभिभावक प्रतिनिधि गणेश रवानी, समिति सदस्य संजय शर्मा, पूर्व पार्षद रंजीत कुमार, समाज सेवी मानस रंजन पाल उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजन में संतोष गुप्ता, सुभिमान दास, मीनाक्षी कुमारी, अनिल मिश्रा, राजेश मंडल सहित सभी आचार्य सक्रिय रहे। मंच पर प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। पंचम के छात्र प्रिंस कुमार साव को ओवरऑल बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही प्राइड ऑफ स्कूल स्पोर्ट्स के लिए अष्टम के छात्र शिवम कुमार, कल्चर एक्टिविटी के लिए अष्टम की छात्रा आरुषि कुमारी, अनुशासन के लिए अष्टम की छात्रा स्नेहा कुमारी, कम्युनिकेशन स्किल के लिए एलकेजी की दक्ष गुप्ता, सभी विषयों में 100% अंक के लिए नर्सरी के हर्ष गुप्ता, मोस्ट अवेयर मदर के लिए अभिभावक रानी झा, मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट के लिए नर्सरी की छात्रा शानवी श्रीवास्तव, सेफ्टी एम्बेसडर के लिए अभिभावक अंजू नारायण, राजन सहाय, नवम की छात्रा अदिति सहाय, यूकेजी के छात्र गौरव देव नारायण एवं पंचम की छात्रा अक्षिता नारायण को पुरस्कृत किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर भोली नगर में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इसमें हम सब ने प्रत्येक कक्षा में अच्छा करने वाले कक्षा अरुण अर्थात नर्सरी से लेकर के द्वादश अर्थात ट्वेल्थ तक के भैया बहनों को पुरस्कृत किया। सभी विषयों में 100% अंक लाने वाले भैया बहनों को भी पुरस्कृत किया। विशेष रूप से क्षत्रिय माताओं और उनके अभिभावकों को भी पुरस्कृत किया। और एक बहुत विशेष पुरस्कार वैसे अभिभावकों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया जो रोड सेफ्टी के लिए स्वयं को हेलमेट लगा करके आते ही थे, अपने बच्चों को भी हेलमेट लगा करके स्कूटी बाइक्स में लेकर के आते थे। और कई कैटेगरी में हम सब ने पुरस्कार दिया और आगे भैया बहन का भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए संकल्प लिया।